एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ फ्राइडे और सुबह का टाइम है, और आज सुबह से ही ना झमाझम बारिश हो रही है बहुत तेज़। और मैं सिया को भी ना बस स्टॉप पे अम्ब्रेला वगैरह लेके रेन बूट्स पहना के गई थी, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। सारे बच्चे पूरा कवर अप होकर आए थे। तो सिया स्कूल चली गई है और यहाँ पर ना मॉर्निंग की चाय बन रही है। और आज ना मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। आई वॉज इन अ वेरी मच वेरी रिलैक्स्ड काइंड ऑफ अ मोड, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी बहुत क्लिप्स ली मैंने बाहर की, एंड देन डिसाइडेड कि चलो पूरे दिन ही व्लॉग शूट करना स्टार्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग की चाय छान ली है। सो ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ ऐसी सच कुकिंग नहीं की। ये बेल्जियम वाफल्स हैं, ये कॉस्को से लिए थे। इनको टोस्टर में टोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा मेपल सिरप के साथ सर्व किया। सो ब्रेकफास्ट इज ऑल सॉर्टेड। और इस तरीके से मैंने आराम से बैठ के चाय के साथ वाफल्स इंजॉय किए। तो रात को मैंने दही सेट की थी, तो दही अच्छे से सेट हो गई है। उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक एयर टाइट डब्बे में और फ्रिज में रख दिया है। मीनवाइल ये जो कैसरोल्स हैं इनको मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ, सो दैट स्मेल डेवलप ना हो। और आप में से ना कई लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से कैसरोल्स में दही जमाना स्टार्ट किया है, स्पेशली जो लोग ठंडी प्लेसेस पे रहते हैं और उनकी दही काफ़ी अच्छे से सेट होती है, और मुझे मैसेज भी शेयर किए। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत अच्छा लगता है जब ना एक दूसरे से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। तो मैं भी आप लोगों से काफ़ी सारी टिप्स लर्न करती हूँ, चीज़ें लर्न करती हूँ। सो यहाँ पर बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ मैं सिया और भूमि के जो टॉयज़ हैं ना, आज वो फिर से डीक्लटर करने वाली हूँ। तो सिया और भूमि के पास जो भी टॉयज़ हैं ना, उसके साथ साथ उनके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कोई बॉक्स हुआ या कोई कुछ पेपर वगैरह हुए, वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उससे प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ रियली अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चे ना अपने तरीक़ों से नए नए गेम्स बना लेते हैं। बट टाइम टू टाइम मुझे थोड़ा देखना पड़ता है क्या क्या इसमें लगा रखा है सब, और थोड़ा बहुत क्लीन अप करना पड़ता है। तो इस तरह से ना दोनों का मैंने कर दिया है डीक्लटर। थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल आई है अभी, और ना ये समर टाइम में थोड़ी बहुत धूप निकल आती है ना, तो एकदम से रोड सूख जाता है, पता भी नहीं लगता कि बारिश हो रही थी अभी। अभी ना लंच का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैंने फुलके सेक लिए हैं, थोड़ा सा घी लगा लिया उनके ऊपर, और सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई है क्योंकि ना प्रीवियस डे से बैंगन एंड टमाटर की सब्ज़ी कैरी फॉरवर्ड मील में थी, तो उसको ही गर्म कर लिया। उसके बाद मैं और भूमि थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, नैप टाइम हुआ हम लोगों का, और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी आज। और शाम के टाइम मैंने ना ये ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई, तो ब्रोकली के फ्लोरेट्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और थोड़ी देर उसको ड्रेन होने दिया। और बेसन ले रही हूँ 1-2 चम्मच। बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पे ना रोस्ट करना है, तो मैं बनाऊंगी ना बेसन ब्रोकली की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली कहीं तो किसी शॉर्ट्स में देखी थी, सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई इट। तो रोस्टेड बेसन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए, और ऑन द अदर हैंड हम तड़का तैयार करेंगे। तो ये जो ब्रोकली की सब्ज़ी है ना, इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छे से गार्लिक वगैरह ऐड करना है, तो मैंने गार्लिक और ग्रीन चिलीज जो है उसको फाइन चॉप कर लिया है। और कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया है, हींग डाली है, उसके बाद अनियन डालूंगी थोड़ा सा, और हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है सो दैट अनियन जल्दी फ्राई हो। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने गार्लिक और ग्रीन चिलीज चॉप किया था, वो उसको अगेन हम लोग फ्राई कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट ब्रोकली ऐड कर दी है मैंने, और ब्रोकली ऐड करने के बाद सॉल्ट ऐड किया है। इसको मिक्स करके थोड़ी देर कुक करेंगे। ब्रोकली काफ़ी जल्दी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रोकली ऑलमोस्ट 50-60% डन हो गई है। उसके बाद मैंने ना 1-2 चम्मच बेसन जो था उसको एक बोल में लिया है, और मसालों में हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड करके मिक्स कर लिया है। और मैंने अराउंड 1-2 चम्मच बेसन लिया है, सारा क्वांटिटी नहीं लिया है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ब्रोकली। और उसके बाद ना इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने बेसन स्प्रिंकल कर दिया है चारों तरफ, और उसके बाद ना हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद हम कवर करके कम फ्लेम पे इसको पकाएंगे थोड़ी देर और। और जो भी लेफ्ट ओवर बेसन था वो मैंने बंद करके रख दिया है, वी कैन यूज़ इन सम अदर रेसिपी। और उसके बाद हमने लिड खोला, 1-2 बार चला देंगे सो दैट चारों तरफ से जो बेसन है ना वो कुक हो जाए। और थोड़ी देर मैंने और कुक किया, और फाइनली ब्रोकली की सब्ज़ी डन है, बेसन ब्रोकली। एंड गाइस अच्छी बन गई थी, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ऑलमोस्ट मुझे 13-14 मिनट्स लगे इसको बनाने में। अब ब्रोकली काफ़ी जल्दी कुक हो जाती है ना, तो एक सिंपल साइड डिश है जो किसी भी चीज़ के साथ आप बहुत जल्दी बना सकते हो, एंड ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और लगे हाथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना फ्रेश क्रीम रखा हुआ था मेरे पास, तो बच्चों के लिए शाही पनीर बना दिया है, सिया को बहुत पसंद आता है, वीकेंड पे मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। इसको रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता।
फिर शाम को हम लोग चले गए थे कॉस्को, और कॉस्को हम लोग वीकेंड पे चले जाते हैं, समटाइम्स ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं, समटाइम्स थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी होती हैं, बट स्टिल वी गो, इट्स अ काइंड ऑफ अ वीकेंड आउटिंग। गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम कॉस्को, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कॉस्को का हॉल शेयर कर रही हूँ। तो कॉस्को से हम लोग ये स्पेनिच लेकर आए हैं, साथ में ग्रेप्स का एक पैकेट है और क्रिकलैंड का क्रीम चीज स्प्रेड है और क्यूकम्बर्स हैं ये वाले। और ये वाले ना मैंने देखा है इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है जो मिनी क्यूकम्बर्स आते हैं ना उनके कंपेरिजन में, तो अब से हम लोग ये लाने लगे हैं। बनानास का एक बंच है, ऑल्सो सिया भूमि को मन था बेगल्स खाने का, सो इस बार हम लोग ये बेगल्स लेकर आए हैं। ये मल्टी सीड्स वाले हैं और ये प्लेन वाले हैं, साथ में ये ऑर्गेनिक होल मिल्क है, ये किर्कलैंड का है, और ये रिट्स के क्रैकर्स हैं, ये सिया को काफ़ी पसंद आते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा एक बड़ा पैक मिल जाता है जो बहुत दिन चलता है, तो ये पहले भी था अब फिनिश हो गया है तो फिर से ये रीस्टॉक किया है। So this is all the grocery from Costco. Okay, so सारी चीज़ों को मैंने उनकी places पे रखा, hand wash किए, और उसके बाद मैं जल्दी से dinner पे लग गई हूँ। तो रोटियाँ मैं बनाकर नहीं जाती हूँ, fresh ही बनाती हूँ, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं मैंने देखा है। तो यहाँ पर हमारा dinner है, broccoli सब्जी, साथ में शाही पनीर, रोटियाँ, थोड़ा सा मिर्च का अचार, एंड लेट्स enjoy द फ्राइडे डिनर। बच्चे सो गए थे और उसके बाद ये एक बॉलीवुड की मूवी आई हुई थी तो हमने सोचा इसको लगा लेते हैं। तो फ्राइडेज को यूजुअली मैं और पुष्पेंद्र ना ऐसे कोई मूवी लगा लेते हैं और आराम से बैठ के जब मूवी देखो ना एंड वीकेंड मोड है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी है सैटरडे मॉर्निंग, तो आज का सैटरडे का ब्रेकफास्ट है बेगल्स अलॉन्ग विद सम क्रीम चीज स्प्रेड, और साथ में है चाय जिंजर वाली। तो इस तरह से हमारी जो सैटरडे मॉर्निंग है वो हो रही है। ओके गाइस, तो अभी ना शाम का टाइम हो गया है, सैटरडे इवनिंग, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर। लंच का मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो अभी मुझे पटेल ब्रदर से थोड़ी ग्रॉसरी लेनी है तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। ऑल्सो बच्चों का मन था कि आइकिया भी चलते हैं क्योंकि सिया को जो आइकिया में जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं ना वो बहुत पसंद है, तो सिया काफ़ी दिनों से कह रही थी, देन वी डिसाइडेड कि चलो आइकिया भी जाते हैं। एज सच हमें आइकिया से कुछ लेना नहीं था, तो मेजरली हमने जो आइकिया का जो कैफेटेरिया था वहाँ टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत उसी में से स्नैकिंग किया। और ये आइकिया ऑरलैंडो है और यहाँ का ना जो कैफेटेरिया में बैठ के आराम से बाहर का व्यू देखूँ काफ़ी अच्छा लगता है, पाम ट्रीज़ वगैरह दिखते रहते हैं, ऐसा लगता है कोई हॉलीडे स्पॉट है। उसके बाद हमने ना पटेल ब्रदर्स से करी थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो जो भी मेरे को ग्रॉसरी वगैरह चाहिए थी तो वो सब ले ली है, और अभी हम आ गए घर वापस, तो बस डिनर वगैरह बनाऊंगी अभी और यहाँ पर सारी ग्रॉसरी मैं निकाल देती हूँ, उसको अरेंज करूँगी, ऑल्सो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आज मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है तो वो मुझे वहाँ पर मिली थी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और अभी ना ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो गया है तो जल्दी से मैंने ना थोड़ी बहुत कुकिंग कर दी है, अभी बच्चों को डिनर कराना है। यहाँ पे ना मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह निकाल दी है और मैं इसको अरेंज करूंगी, उससे पहले आप लोगों को क्विकली ग्रॉसरी का ग्लिम्प्स दे देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना ग्रॉसरी वगैरह देखना पसंद आता है, सो लेट मी वेरी क्विकली शो यू ऑल। सो यहाँ पर से स्टार्ट करती हूँ मैं, ये मैंने स्वाद का ना जो पफ्ड राइस होता है ना वो लिया है, जैसे कि आप भेलपूरी बनाओ या फिर इसका स्नैक्स भी बना सकते हो, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, मैं ट्राई करूंगी। ऑल्सो ये मैगी 2 मिनट नूडल्स, ये ऑफर में था तो हमने ये 2 पैकेट लिए हैं। साथ में ये है हल्दीराम का राजभोग, और ये पनीर चिली मसाला मिक्स है, तो इससे पनीर चिली बनाना हो तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी है, तो इसलिए मैं ट्राई करने के लिए इस बार लाई। ऑल्सो ग्रीन चिलीज हैं, साथ ही अनियन के बैग्स हैं, एक तो ये बैग है और एक तो दो बैग्स लिए हैं, साथ ही ये लॉन्ग वाले जो बैंगन हैं ये हैं, और लेमन है और भिंडी है, और साथ में थिक पोहा है, और ये है हल्दीराम का सब्जी पकौड़ा, तो इसको ना जैसे इसका सब्जी बना सकते हैं प्याज टमाटर छोंक के, या फिर पकौड़े जैसे कड़ी वगैरह में डाल सकते हैं। और ये स्वाद का कोरिएंडर पाउडर है, और चना मसाला का एक पैकेट है, और ये वाली जो मिर्च है मारवाड़ी अथना मिर्च, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है, तो अगर आप लोग मिर्च वगैरह का अचार पसंद करते हो तो डू ट्राई इट, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, और ये पटेल पे आपको मिल जाएगी आराम से। और स्वीट पोटैटोज हैं, ये 2-3 स्वीट पोटैटोज हैं, और साथ में है ये पीनट्स क्रंच चिक्की, ये पुष्पेंद्र को और बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। और ये एक बड़ा वाला बैंगन है, जैसे बैंगन भरता बनाना हो या फिर चोखा बनाना हो तो उसके काम आएगा। ऑल्सो जिंजर का एक पूरा बड़ा सा पैकेट सा है, और साथ में है हरा धनिया, इसके 2-3 बंच मैंने लिए हैं, हरी चटनी भी बनाने का सोच रही हूँ,
सो दिस इज ऑल द ग्रॉसरी फ्रॉम पटेल स्टोर ऑरलैंडो। ओके, सो मैंने ना ये आइकिया से ये वाला वेस लिया है, ये काफी सुंदर सा है और ऐसे दो लिए हैं, एक मैंने अभी उठा के रख दिया है। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ना ये काफी सुंदर से फ्लावर्स काफी दिनों से रखे हुए हैं, सो मैंने सोचा चलो इसके अंदर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक्चुअली ये वेस के अंदर ये फ्लावर्स डाले ना तो काफी मतलब कॉन्ट्रास्ट में काफी अच्छा सा लुक आ रहा है एक्चुअली। सो अभी मैं देखती हूँ कि इसको कहाँ रखूंगी। हे गाइस, तो अभी ना संडे है और अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है, तो मैंने अभी क्लिप्स लेना स्टार्ट किया। बीच में मैं भूल ही गई थी कि मैं वीकेंड व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज पुष्पेंद्र बनाने वाले हैं एग करी, और एग्स को बॉईल कर लिया है प्रेशर कुकर में ना, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके आप एक विसल लगा लो, एग अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। साथ ही मैंने ना ये राइस कुकर में राइस बनने के लिए रख दिए हैं, और पुष्पेंद्र काफ़ी अच्छी एग करी बनाते हैं, मैंने कई व्लॉग्स में डिटेल में शेयर की है। मैं ना एक लिंक भी डाल दूंगी पुराने किसी व्लॉग का जिसमें पुष्पेंद्र ने एग करी बनाई हो, ही रियली मेक्स वेरी यम्मी और मुझे भी काफ़ी पसंद आती है। और मैंने कई बार बना के देखी है, वो टेस्ट नहीं आता जो वो बनाते हैं, तो वही बना रहे हैं। तब तक मैं काम कर लेती हूँ लॉन्ड्री का, तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े तो हो ही जाते हैं। सो लॉन्ड्री वगैरह भी हो गई और उसके बाद बच्चों को भी शावर वगैरह देके रेडी किया, और यहाँ पर मैं सर्व कर देती हूँ लंच। तो बच्चों को भी लंच करा दिया, उन्होंने भी एग करी खाई, उनको बहुत पसंद आई। और यहाँ पर ना मैंने एग करी, राइस और इस तरह से सर्व कर दी है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर से गार्निश कर देंगे हरे धनिए के साथ, और सैलड में थोड़ा कुकुम्बर कट कर दिया है, और ये हमारा ना एग करी एंड राइस बोल रेडी हो गया है। और बहुत ही यम्मी खाना, और जब कोई और बना के दे तो बहुत अच्छा लगता है रियली। थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है रूटीन। ऑल्सो ना थोड़े एक्स्ट्रा ही एग जो है वो बॉईल किए थे, तो उनको मैंने उठा के रख दिया है, सिया को जैसे एग वगैरह खाने हो स्नैक्स में उस काम आ जाते हैं। तो शाम को हम लोग सिया और भूमि को लेकर पार्क चले गए थे, उन लोगों को ना पार्क में खेलने में बड़ा मज़ा आता है। कल हम किसी पार्क नहीं ले जा पाए, तो अभी हमारे घर के पास जो लाइब्रेरी है वहाँ हम पार्क में लाए हैं। दे रियली इंजॉय अ लॉट हेयर। गुड जॉब सिया। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं और आज मंडे है, तो फ्राइडे को व्लॉग स्टार्ट किया था। आई थिंक इट्स अ टाइम टू एंड दिस व्लॉग नाउ। और अभी ना मैं भूमि को कुछ बुक्स रीड करके सुना रही थी। सिया तो अब ना बिगनर्स वाली जो बुक्स होती है ना उन सबको खुद ही रीड करने लग गई है, सो आई फील सो गुड। पर मैं सिया को बोलती हूँ कि तुम भूमि के लिए भी रीड करो, बट बच्चों का सब मूड होता है, उसको जब मन है तो भूमि के साथ रीड कर देती है, अगर उसको मन नहीं है तो कितना भी बोलते रहो। तो अभी हम लोग ये बुक रीड करेंगे, भूमि थोड़ा सोएगी फिर, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, स्टे कनेक्टेड, और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरे व्लॉग या वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।